जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी आपके बर्ड्स और आप खैर आफियत से ही होंगे। ब्रीडिंग सीज़न सबके सामने है कि स्टार्ट आलमोस्ट होने वाला है और अगस्त का महीना गुज़रते ही तकरीबन सब दोस्त ही स्टार्ट हो जाते हैं बॉक्सेस की तैयारी करना लगाने की। तो अब ये सिचुएशन है कि इस बार जो दो महीने पहले जो इनका एक या महीना पहले जो कोर्स करवाया जाता था जिसमें मोस्टली मैं तो कैल्सिलेक्स और फर्टिविट का कोर्स करवाता था 15 से 20 दिन पहले, तो लेकिन ये है कि कुछ लोग इस तरीके से नहीं करते, कुछ लोग बाद में ही करते हैं, साथ साथ ही देते हैं, तो डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन इस दफ़ा मैंने कोर्स नहीं स्टार्ट किया और इस बार ब्रीडिंग की भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, किसकी ब्रीड करवाएं किसकी ना करवाएं अभी तक कंफ्यूजन ही है। ये माशाल्लाह बर्ड्स देख सकते हैं, तो अब इनमें से सबको अलग करना और उसकी फिर आगे से पेयरिंग करना ये बहुत नहायत ही मुश्किल मेरे लिए टास्क हो चुका है। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इसको मैनेज कैसे करें, तो ये आप देख रहे थी इस सिचुएशन में। ये तकरीबन अभी हफ्ता दो हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो दो हफ्ते के दौरान ही समझ में आ गई है। वैसे तो आपको बहुत ये आपको मज़ा देते हैं जब आप बर्ड रूम में जाते हैं, तो बर्ड जब फ्लाई करते हैं उधर तो आपको बहुत इन्जॉय कराते हैं, लेकिन अगर आपने इसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए देखना है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको मैं किस तरीके से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैनेज करना। तो देखिए आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, कुछ दोस्तों से मशवरा लेते हैं, उनको बुलाते हैं साथ, और क्योंकि सिंगल अकेले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसकी, स्पेशली इनको पकड़ के सबसे पहले अलग करना, फिर उसके बाद जाके जिनकी पेयरिंग करनी है उनको अलग करना या उसको ऐसी कॉलोनी में लेना। तो देखें लेट्स सी व्हाट हैपेंड।